हेलो दोस्तों, क्या आपके क्लेविकल या कंधे की बोन में फ्रैक्चर हो गया है और आपको कन्फ्यूजन है कि इसका ऑपरेशन कराना चाहिए या फिर ये वैसे ही ठीक हो जाएगा? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, कंधे की बोन यानी क्लेविकल का फ्रैक्चर एक बहुत ही सामान्य घटना है। ऐसा हो सकता है अगर आप बाइक से गिर जाएं या सीढ़ियों में पानी पड़ा हो और आप पानी में फिसल के गिर जाएं या बाथरूम में गिर जाएं, तो इससे कंधे की बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। कंधे की बोन है जो थोड़ी ऊँची उठ जाती है। ऐसे में जब भी पेशेंट अपने हाथ को ऊपर करता है तो उसके तीव्र दर्द होता है या कट कट की फीलिंग आती है। उसे लगता है कि जैसे बोन से बोन मूव कर रही है। जब वो डॉक्टर के पास जाके एक्सरे कराते हैं तो उसे पता चलता है कि उसे क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन इसके साथ ही कन्फ्यूजन की शुरुआत हो जाती है। जब वो कुछ डॉक्टर्स के पास जाता है तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और वे गले पे एक पट्टा बांध देते हैं और कहते हैं कि इससे सही हो जाएगा। उसी वक्त वो अगर किसी और डॉक्टर से ओपिनियन लेता है तो वो कहते हैं कि इसमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे में पेशेंट बुरी तरह कन्फ्यूज हो जाता है दोस्तों कि क्या उसे सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। रिसेंटली एक फॉरेन के पेशेंट मेरे को दिखाने आए थे, जिनकी की जो डॉटर थी वो फॉरेन में रहती थी और वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि वहाँ पर विदेश के अंदर उन्हें ये कहा जा रहा था कि इसमें फ्रैक्चर में ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और इसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि हम लोगों का इंडिया में ये रुख था कि कुछ दिनों तक बिना ऑपरेशन के भी ट्राई किया जा सकता है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस प्रकार की डिबेट है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमारे कंधे की जो हड्डी है उसे क्लेविकल कहते हैं। आप देख सकते हैं ये कंधे की हड्डी है जो यहाँ से शुरू होती है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो ये कंधे की हड्डी है जिसे कि क्लेविकल बोन कहते हैं। अब होता क्या है कि क्लेविकल बोन जब टूट जाती है, वैसे डायरेक्टली इसका किसी खास फंक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि अगर क्लेविकल बोन टूटी भी हो और नहीं जुड़े, जिसे कि हमारी भाषा में नॉन यूनियन कहते हैं, तो उससे पेशेंट को ज़्यादातर फंक्शनल कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। इसलिए शुरू से ही ऑर्थोपेडिक्स में इस फ्रैक्चर को कंजर्वेटिवली या फिर बिना किसी सर्जरी के ट्रीट किया जाता है। खासकर बच्चों में तो ये देखा गया है कि ये हड्डी अपने आप जुड़ी जाती है, इसलिए बच्चों में तो क्लेविकल को कभी भी ऑपरेट नहीं किया जाता। लेकिन जिस प्रकार से साइंस इवॉल्व हो रही है, डे बाय डे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब क्लेविकल फ्रैक्चर का भी फिक्सेशन शुरू हो गया है। कुछ स्टडीज़ जो क्लेविकल फ्रैक्चर पे की गई हैं, उन्होंने बताया है कि अगर 100 फ्रैक्चर्स को प्लास्टर से या फिर बिना ऑपरेशन के सही किया जाता है, तो उसमें से 15 से 20 फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जो अपने आप नहीं जुड़ पाते या फिर नॉन यूनियन में चले जाते हैं। तो इस डर से अब फॉरेन कंट्रीज़, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो लगभग क्लेविकल को हमेशा ही फिक्स किया जाता है। लेकिन इंडिया में अभी भी हम लोगों का रुझान इस पर रहता है कि जहाँ तक हो सके, अगर फ्रैक्चर हो गया है लेकिन हड्डी ज़्यादा हिली नहीं है, जिसे कि हमारी भाषा में अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहा जाता है, या हिली है लेकिन हल्का सा ही मूवमेंट है, तो हम ऐसे फ्रैक्चर्स को बिना ऑपरेशन के ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम पेशेंट को एक आम पाउच दे देते हैं, हाथ में एक थैली सी लगा दी जाती है जिसमें कि अपने हाथ को 4 to 6 वीक्स मेंटेन करता है, और जब उसका हाथ पूरा जुड़ने लग जाता है तो हम मूवमेंट अलाउ कर देते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, कंजर्वेटिव क्लेविकल ट्रीटमेंट के बिना सर्जरी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और ज़्यादातर पेशेंट 1 to 1.5 साल के अंदर बिल्कुल अपने पहले इंजरी वाले लेवल पर लौट आते हैं और सारे काम आराम से करने लग जाते हैं। तो अगर आप 40 या 45 साल के हैं, लो डिमांड हैं, ऑफिस की जॉब करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप आराम से क्लेविकल फ्रैक्चर की सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं, कोई स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, हाई डिमांड पर्सन हैं, तो आप क्लेविकल के सर्जरी के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। आपको ये वाली बात समझनी होगी कि जो क्लेविकल की सर्जरी का ऑप्शन है वो आपको ये फ़ायदा देगा कि जो क्लेविकल बोन जुड़ेगी वो एकदम परफेक्टली मैच होगी। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं कि सर मेरी बोन ऊंची नहीं दिखनी चाहिए और मुझे परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए, तो ऐसे में आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन के भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नुकसान ही नहीं है। ऑपरेशन में एक तो पहली बात चीरा लगेगा, तो चीरे का निशान तो आपको देखना ही पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि ऑपरेशन के खुद के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ना, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है या फिर हो सकता है कि प्लेट लगाने के बाद प्लेट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। क्लेविकल फ्रैक्चर को दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है दोस्तों, एक तो प्लेट टेक्निक होती है और दूसरी उसके अंदर रॉड टेक्निक होती है, जिसे कि टेंस नेल कहते हैं। टेंस नेल का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि जो चीरा होता है वो थोड़ा छोटा लगता है और पेशेंट के मूवमेंट फास्ट स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन टेंस नेल जो होती है, नेलिंग या जिसे कहते हैं कि एक सरिया डाल देना क्लेविकल में, वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए ये ज़रूरी है कि क्लेविकल के बारीक टुकड़े नहीं हुए हों और 1 या 2 पीस ही टुकड़े हों। लेकिन अगर क्लेविकल बहुत ज़्यादा टूट गई है, तो ऐसे में प्लेटिंग टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है और प्लेट लगानी पड़ती है। तो आप दोनों ऑप्शंस अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस ऑप्शन के लिए, जो आपका डॉक्टर रिकमेंड करे उस ऑप्शन के लिए आपको जाना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स नेलिंग को पसंद नहीं करते और वो प्लेटिंग को ही ऑप्ट करते हैं। ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से दोनों विकल्पों के बारे में, उनके सही और गलत के बारे में डिसीजन लेकर अपनी राय बना सकते हैं।
अगर आपको क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में हमारी राय चाहिए तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर अपना एक्सरे भेज सकते हैं और हमसे ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं, जिसका निर्धारित शुल्क आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी इसके अलावा किसी और फ्रैक्चर के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका भी इसी प्रकार का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।